नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नवादा लाइव। मैं हूं परमेंद्र। नवादा के प्रतिष्ठित विद्यालय मॉडर्न इंग्लिश स्कूल के न्यू एरिया कैंपस स्थित सभागार में आज विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। और यह जो प्रदर्शनी का आयोजन हुआ वो सीवी रमन, जो भारत रत्न भी हैं और नोबेल पुरस्कार के विजेता भी रहे हैं, उन्हें मिला था। भौतिक शास्त्र के बड़े विद्वान थे और उसी भौतिक शास्त्र में ही अच्छे खोज के लिए उन्हें यह नोबेल पुरस्कार दिया गया था और उन्हें बाद में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। करीब 1888 में उनका जन्म हुआ था। तो उनका जन्मदिवस पर यह आयोजन किया गया था मॉडर्न इंग्लिश स्कूल में और एक से एक बढ़कर मॉडल बच्चों ने वहाँ प्रस्तुत किया, चाहे वो रोड सेफ्टी से रिलेटेड हो या वाटर हार्वेस्टिंग का मसला हो या फिर अत्याधुनिक खेती का मसला हो या हमारा चंद्रयान कैसे सफल हुआ या और आगे कैसे हम इसमें विकास कर सकते हैं, वो मॉडल हो, बहुत सारे मॉडल बच्चों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुत किया। और इस दौरान काफी उल्लास का माहौल रहा। मॉडर्न इंग्लिश स्कूल के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर अनु जी, उन्होंने इसका निरीक्षण भी किया विज्ञान प्रदर्शनी का। इसके अलावा जो भी विज्ञान के शिक्षक वगैरह थे और जो इस मॉडल को तैयार करवाने में व्यस्त थे, वो सारे लोगों ने विजिट किया और एक से एक तो मॉडल बच्चों ने प्रस्तुत किया। तो चलिए आपको लिए चलते हैं उस सभागार में जहाँ पे बच्चों ने अपनी प्रस्तुति दी ये विज्ञान प्रदर्शनी के दौरान, और कुछ मॉडल भी आपको दिखाते हैं और बच्चों की बात को भी दिखाते हैं, सुनाते हैं कि आखिरकार उनका मॉडल क्या कहता है, किस उद्देश्य से बनाया गया। उससे पहले अपने दोस्तों की, अगर अब तक आपने नवादा लाइव चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन बजा लेंगे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे। तो चलिए आपको ले चलते हैं मॉडर्न इंग्लिश स्कूल का सभागार जहाँ आज सीवी रमन जी की जयंती पर विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन हुआ था। गुड मॉर्निंग सर, वी आर स्टूडेंट ऑफ क्लास 9। सर दिस इज एआई रोबोटिक, दिस हैंड वॉच टू वुमन कैन इजी वेरियस यूज ऑफ द रोबोट। Sir, first of all, we need a coded program with Nano Arduino and to read the data from the Arduino sensor from the activity. First of all, sir, when the drivers makes the any movement in the ISS, such as when it closes, it reads the signals and sends to the buzzer and it gives the sound, okay? It gives the sound and then it gives the information to the relay and relay cuts the supply of the wheel and which acts as the wheel of the car. And when the driver is awake, then it continues to move. सर तो बेसिकली ये है, ये चंद्रयान है जो कि तो बेसिकली ये चंद्रयान है जो कि 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था भारत के द्वारा साउथ पोल पे रीच होके वहाँ पे से इंफॉर्मेशन गेन करके भारत में भेजने के लिए, ताकि हम लोग जान पाए कि इतने सारे गैलेक्सी वगैरह हैं, बहुत सारे मतलब स्पेस के बारे में जान पाए। तो बेसिकली ये है हम लोग का चंद्रयान, ये है उसका रोवर और ये है उसका लैंडर और ये है उसका सैटेलाइट जो मून के चारों तरफ घूमता है। दैट्स द पॉइंट, दैट्स द स्पेस साइंस, दैट्स इट। सर हम लोग का पर्पस यही हम लोग का ये स्पेस साइंस बनाने का, क्योंकि हम लोग के लिए बहुत प्राउड मोमेंट है। अपने आप को हम लोगों ने प्रूव किया कि हम लोग स्पेस साइंस से बहुत कुछ कर सकते हैं और हम लोग बहुत आगे तक जा सकते हैं। हम लोग ने ये प्रूव किया कि नासा ही सिर्फ भारत दुनिया में नहीं है जो कि स्पेस साइंस में आगे है, इसरो भी है कि जो स्पेस साइंस में बहुत आगे है। एंड हेयर हम लोग यहाँ पे देखिए यूज़ किए हैं, यहाँ पे स्प्रिंकलर इरीगेशन न्यूअर टेक्नोलॉजी का सारा चीज़ है। यहाँ पे हम लोग एज अ ट्रैक्टर ये यहाँ पे यूज़ किए हैं फ्लोइंग करने के लिए। यहाँ फर्स्ट स्टेज है, यहाँ पे देख सकते हैं फ्लोइंग करने के लिए यहाँ पे इस्तेमाल किया है और यहाँ पे फ्लोइंग है मतलब। और ये यहाँ पे हम लोग का ये हो रहा है क्रॉपिंग और यहाँ पे हम लोग का हार्वेस्ट, यहाँ पे वो स्प्रिंकलर इरीगेशन माध्यम से हो रहा है, देख सकते हैं।
यहाँ पे स्प्रिंकलर इरिगेशन के माध्यम से हो रहा है, यहाँ पे स्प्रिंकलर इरिगेशन का इस्तेमाल किया और यहाँ पे हम लोग एज अ हार्वेस्टर का इस्तेमाल किए हैं क्योंकि हार्वेस्ट करने के लिए ताकि मैन्युअली कुछ होना। और यहाँ पे हम लोग का पोल्ट्री फार्म है जिससे कि अनएम्प्लॉयड लोगों को भी मतलब वो एम्प्लॉय हो सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग का ये डेयरी फार्म और ये हम लोग का ये है और वो वहाँ पे हम लोग का रेन वाटर हार्वेस्टिंग का हो रहा है। मतलब वाटर से रेन होता है तो वेस्ट में चला जाता है ना, तो हम लोग उसको यूज़ करके हम लोग स्टोर कर सकते हैं और उसके फिर बाद में इरिगेशन के मतलब इरिगेशन के टाइम में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सर सी वी रमन इज वन ऑफ द रिनॉन्ड साइंटिस्ट ऑफ इंडिया हु हैज बीन अवार्डेड बाय नोबेल प्राइज एंड भारत रत्न। सो ऑन दिस auspicious occasion we are conducting the science exhibition to promote scientific spirit among the students which will be helpful for the society in the future, and the theme of the science exhibition is science and technology for the society. So basically we promote the welfare of the society. Thank you very much. Manikant Mishra.